Long student, I am DK Singh, PGT Accountancy from Chiranjee Bharati School, Sector Amasana, Lucknow. Today I will be teaching you Chapter 2, Basic Accounting Term. Some point I discussed previous video, and next point, number 1, turnover. Turnover, total sale made in the particular period. Particular period means financial year. Total sale of the year. जो भी हम सेल करेंगे पूरे ईयर में, 1 अप्रैल to 31 मार्च, टोटल सेल्स मीन्स टर्नओवर. हम लोग डिस्कस सिंपल लैंग्वेज, दिस टर्नओवर 10 लाख, दिस फर्म टर्नओवर 20 लाख, टर्नओवर 15 लाख. टर्नओवर मीन्स टोटल सेल ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. जितना भी हम फाइनेंशियल ईयर में सेल्स करेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, टर्नओवर. फॉर एग्जाम्पल, एस कंपनी लिमिटेड टर्नओवर इज 25 लाख. टर्नओवर मीन्स टोटल सेल्स ऑफ द ईयर, मीन्स फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल to 31 मार्च. ओके, टर्नओवर क्लियर. नेक्स्ट, लाइव स्टॉक डोमेस्टिक एनिमल. डोमेस्टिक एनिमल्स एज सच एज कैटल्स, हॉर्स नॉन एज लाइव स्टॉक. हम बिजनेस में हो सकता है हॉर्स को भी पाल रखे हों, है ना, एंड अदर्स जो भी कैमल हैं, अदर्स जो भी हम जानवर को हैं जो लाइव स्टॉक हैं उनको पाल रखे हैं बिजनेस के पर्पज से, उनको हम क्या बोलते हैं, लाइव स्टॉक बोलते हैं. हमारा बिजनेस चल रहा, हो सकता है घोड़े भी हमारे हों, है ना, गाय भी हों, ऊंट भी हों, यानी जितने भी इस तरह के जानवर हैं जिनको डोमेस्टिक एनिमल्स सच है फॉर बिजनेस यूज, यानी डोमेस्टिक एनिमल बिजनेस कहीं भी अगर यूज हो रहे हैं तो उसको हम किस स्टॉक कहेंगे, लाइव स्टॉक. ओके, क्लियर ना, हॉर्स है एंड अदर जो भी. इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट रिफर टू डेप्लॉयमेंट ऑफ फंड इन द शेयर ऑफ डिवेंचर ऑफ कंपनी विद द इंटेंशन ऑफ अर्निंग अ रिटर्न. जब मेरा एम, पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं लेकिन क्यों करते हैं, रिटर्न ऑफ अर्निंग. हम जो पैसा इन्वेस्ट करेंगे शेयर या डिवेंचर में कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो हम क्या चाहते हैं, जब वापस आए तो अर्निंग हो क्या है. अकॉर्डिंग टू रिफर टू डेप्लॉयमेंट ऑफ फंड इन द शेयर एंड डिवेंचर, एनी शेयर डिवेंचर, हम शेयर परचेज करें डिवेंचर में फंड कर दें, क्यों, अर्निंग ऑफ रिटर्न. हम फ्यूचर सोचते हैं जब पैसा इन्वेस्ट करने के बाद हमें अर्निंग होके आनी चाहिए. क्लियर ना, यानी अर्निंग ऑफ रिटर्न किस इंटेंशन से, अर्निंग के इंटेंशन से. कोई फंड हम अगर इन्वेस्ट करते हैं उसका एम हमारा होता है, इंटेंशन होता है हमारा कि अर्निंग ऑफ रिटर्न, जो हम इन्वेस्ट करें. फॉर हमने प्लॉट ले लिया, पैसा इन्वेस्ट कर दिया, जब प्लॉट सेल करेंगे रिटर्न विद अर्निंग. ओके, यानी कहीं पैसा इन्वेस्ट करें उसका अर्निंग आफ्टर 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर रिटर्न फ्रॉम मी. ओके, नेक्स्ट, एंटिटी. एंटिटी मीन्स इकोनॉमिक यूनिट, ऐसी यूनिट जहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही हो. क्लियर, ऐसे यूनिट जहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही हो, यानी इकोनॉमिक यूनिट विच इज फॉर्म्ड अर्निंग इनकम बाय प्रोवाइडिंग सर्विस ऑफ सेलिंग गुड्स, या गुड्स का सेल्स परचेज कर रहे हो या सर्विस हम प्रोवाइड करा रहे हो, किस लिए, वो भी अर्निंग ऑफ मनी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज. फॉर एग्जाम्पल, यानी कोई शॉप आपकी है, वो सेल बेचती है, क्यों बेच रही है आपको, कंपनी क्या कर रही. फॉर एग्जाम्पल, मारुति कंपनी, मारुति एंड टाटा एंड अदर्स, एलजी कंपनी, ये क्या करती हैं, ये आप प्रोडक्ट बनाते हैं, क्यों करते हैं, इनका क्या है, सेल परचेज करना है ना. ऐसी यूनिट जिनका काम है इकोनॉमिक एक्टिविटी करना, और वो कंपनी क्या कहलाएंगे, आपकी एंटिटी कहलाएंगे. ऐसे फर्म जिनका एम इकोनॉमिक एक्टिविटी का वर्क करना है, फॉर एग्जाम्पल टाटा मोटर, मारुति, एलजी, ईटीसी. ओके, एनी प्रॉब्लम. टर्नओवर, लाइव स्टॉक, इन्वेस्टमेंट एंड एंटिटी कंप्लीट. नेक्स्ट, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, गुड्स एंड सर्विस. गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स. ओके, जीएसटी. जीएसटी बहुत नाम सुना होगा आप लोगों ने, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी. क्लियर, पार्लियामेंट में 31 मार्च 2017 में इसको पार्लियामेंट में
इसको पास किया गया, ओके, पास इन पार्लियामेंट ऑफ 31 मार्च 2017, 31 2017 इसको पास किया गया। ऑल इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड्स और इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड इन जीएसटी, ओके, लाइक कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, ओके, इंटरटेनमेंट वेट आर, ओके, ऐसे टैक्स ऑल इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड यानी इंक्लूड इन जीएसटी, जीएसटी में इन सब टैक्सेस को इंक्लूड कर दिया गया, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, इंटरटेनमेंट वेट, ओके, जो हम लोग टैक्स देते थे उन टैक्सों को मर्ज करके किसमें कर दिया गया, जीएसटी में। कौन कौन टैक्स हैं? ऑल इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूडिंग लाइक कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, इंटरटेनमेंट एंड वेट, ओके, ऑल टैक्स इंक्लूडिंग इन द जीएसटी। जीएसटी जीएसटी डिवाइडेड टू कैटेगरी, ठीक है, सेंट्रल लेवल एंड स्टेट लेवल, क्लियर, सेंट्रल लेवल एंड स्टेट लेवल। सेंट्रल लेवल ओके, सेंट्रल लेवल एक्साइज ड्यूटी ओके, कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स एंड सर्विस टैक्स, क्लियर, एंड सेंट्रल टैक्स, सेल टैक्स, सेंट्रल सेल टैक्स, सेंट्रल टैक्स, सेल टैक्स, क्लियर, सेंट्रल सेल टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स एंड सेंट्रल टैक्स मर्ज इनटू जीएसटी। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो टैक्स थे आपके इतने, ये टैक्स इनको किसमें मर्ज कर दिया गया है, जीएसटी में, किसमें मर्ज किया गया, जीएसटी, ओके, रिपीट, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स एंड सेंट्रल सेल टैक्स, इन टैक्सेस को इनडायरेक्ट टैक्स को मर्ज कर दिया गया किसमें, जीएसटी में, यानी सेंट्रल लेवल टैक्स, सेंट्रल गवर्नमेंट पहले क्या टैक्स लेती थी आपसे, टैक्स लेती थी एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेंट्रल टैक्स, मर्ज करके कहाँ दे दिया गया, जीएसटी, एंड स्टेट लेवल, क्लियर, स्टेट लेवल ऑक्ट्राई, ओसीटी, ओआरआई, ऑक्ट्राई ड्यूटी, ऑक्ट्राई, ओके, परचेज टैक्स, क्लियर, परचेज टैक्स, वैट, वैट एंड इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट टैक्स, क्लियर, एंड लग्जरी, लग्जरी टैक्स, ओके, लग्जरी एंड टैक्स ऑन लॉटरी, टैक्सेज ऑन लॉटरी, लॉटरी, ओके, रिपीट, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी, फुल फॉर्म जीएसटी, पास इन पार्लियामेंट 31 मार्च 2017, एंड सेंट्रल लेवल टैक्स जीएसटी को डिवाइड किया, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जो टैक्स आपसे लेती थी, कौन सा टैक्स लेती थी पहले, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स एंड सेंट्रल सेल टैक्स, इनको कन्वर्ट करके किसमें कर लिया गया हमने, जीएसटी। स्टेट गवर्नमेंट क्या लेती थी आपसे, टैक्स ऑफ लॉटरी, ऑक्ट्राई, ऑक्ट्राई में एंट्री फीस, ऑक्ट्राई एंट्री एंड परचेज टैक्स, वैट, इंटरटेनमेंट एंड लग्जरी चार्जेस, लग्जरी होटल वगैरह, लग्जरी होटल, इन टैक्सेस स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस को भी मर्ज कर दिया गया, इन दोनों टैक्सेस को मिलाकर जीएसटी बनता है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो बोलते हैं उसको सीजीएसटी, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है उसको सीजीएसटी, डिवाइडेड टू कैटेगरी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, क्लियर, जीएसटी डिवाइडेड इन टू कैटेगरी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। सीजीएसटी कौन लेता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट, क्लियर, सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट,
एसजीएसडी स्टेट गवर्नमेंट। कब लिया जाता? परचेज, यानी हम कब देते काम है सीएसटी? ऑन द परचेज टाइम, जब हम परचेज करते हैं जीएसटी देते हैं, पर कलेक्ट करते हैं ऑन द सेल्स टाइम। जब हम सेल्स करते हैं समय जीएसटी को कलेक्ट करते हैं। क्लियर? पेड जीएसटी ऑन परचेज, क्लियर? परचेज एंड कलेक्ट ऑफ जीएसटी ऑन सेल्स। जब हम सेल्स करते हैं तो जीएसटी कलेक्ट करते हैं, और जब परचेज करते हैं जीएसटी को हम पेड करते हैं। ओके, जीएसटी कंप्लीट। एनी प्रॉब्लम जीएसटी? नेक्स्ट टॉपिक। जीएसटी नेक्स्ट टॉपिक, इन्वेंट्री नेक्स्ट, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री स्टॉक। ओके, इन्वेंट्री में स्टॉक, जब हम लोग बिजनेस करते हैं तो स्टॉक मेरा बचता ही नहीं बचता है, जो मेरे पास बच जाता है वो सब क्या कहलाएगा? इन्वेंट्री। बस इन्वेंट्री, टाइप ऑफ इन्वेंट्री, टाइप ऑफ इन्वेंट्री, क्लियर? टाइप ऑफ इन्वेंट्री, नंबर वन रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल, क्लियर? नंबर टू वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस, क्लियर? वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स, फिनिश एंड स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड, क्लियर? इन्वेंट्री टाइप ऑफ रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, क्लियर? इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। ओके, डिफाइन रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल फॉर एग्जाम्पल, इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल फॉर एग्जाम्पल, कंपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी, फॉर एग्जाम्पल एक्स लिमिटेड कंस्ट्रक्शन कंपनी, दिस इज कंस्ट्रक्शन कंपनी, कंस्ट्रक्शन कंपनी, कंस्ट्रक्शन कंपनी स्टोर रॉ मटेरियल सीमेंट, ओके, सीमेंट मोरिंग एनी सीमेंट एंड, सीमेंट एंड आयरन, ओके, आयरन सीमेंट सैंड एंड ईटीसी, जितना जो कंस्ट्रक्शन कंपनी होगी वो क्या हुआ? सीमेंट है, मोरंग है, सरिया है, सैंड है, सारे आइटम क्या होंगे? रॉ मटेरियल। ओके, यानी फॉर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल स्वीट्स, महावीर स्वीट्स, ये स्वीट्स, तो रॉ मटेरियल चेंज, रॉ मटेरियल खोया, दूध, चीनी, बेसन, क्या है ये सब रॉ मटेरियल है। ओके, एंड डिपेंड ऑफ रॉ मटेरियल इन टाइप ऑफ कंपनी, अगर कोई मिठाई दुकान है तो आपका क्या हुआ? चीनी, खोया है ना, तेल, ये सब क्या आपके रॉ मटेरियल है। बट कंस्ट्रक्शन कंपनी होगी तो सीमेंट, मोरंग, बालू, सरिया, सब क्या है? रॉ मटेरियल। ओके, नेक्स्ट वर्क इन प्रोग्रेस, न तो पूरा हुआ है न कच्चा है, वर्क इन प्रोग्रेस, फॉर एग्जाम्पल हलवाई दुकान पर क्या होता है? रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, हमने क्या किया? सब मिला तो लिया है सब कुछ, खोया मिला लिया, दूध खोया मिला लिया, चीनी मिला ली, बेसन मिला ली, लड्डू बना लिया, बस बन नहीं पाए हैं, बन रहे हैं, है ना, वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क चल रहा है, नॉट कंप्लीट, नॉट रॉ मटेरियल, नॉट कंप्लीट, बट वर्क इन प्रोग्रेस, यानी सबको मिला तो लिया लेकिन अभी कंप्लीट फिनिश गुड्स नहीं हो पाया है। ओके, वर्क इन प्रोग्रेस, क्लियर? सेमी फिनिश कह सकते हैं उसको हम लोग, एक तरह से वर्क इन प्रोग्रेस। अगर कोई सड़क का ठेका लेता है तो कुछ बन चुकी कुछ बाकी है, बिल्डर है कोई तो कुछ बन चुका हो और कुछ, जैसे लेंटर हो गया दीप और सीमेंट ना हुआ, प्लास्टर ना हुआ, कोई लाइटिंग ना हुई हो, क्या कहें? वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क चल रहा है, कंप्लीट नहीं है, फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स कंप्लीट, वर्क कंप्लीट, फॉर एग्जाम्पल इन हलवाई दुकान पर क्या करते हैं हम लोग? मिठाई क्या है? फिनिश गुड्स। मिठाई क्या है? फिनिश गुड्स। बिल्डर क्या? बिल्डिंग जो बन चुकी बेचने लिए, क्या है? फिनिश गुड्स, सब कंप्लीट विद फिनिश, कंप्लीट लाइट है, गेट है, सब और, ओके, क्लियर, यानी फिनिश गुड्स, सारा गुड्स तैयार हो चुका हो, बिल्कुल सेल करने के लिए तैयार हो, क्लियर? रॉ मेटेरियल फिनिश गुड्स यानी कंप्लीट, रॉ मेटेरियल से हमने गुड्स को कंप्लीट कर लिया है रिगार्डिंग सेल्स। स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड मींस हमने कहीं से गुड्स परचेज किया रिगार्डिंग सेल, हमने परचेज क्यों किया? सेल्स करने के लिए, बट उसमें से बच गया हो, उसमें से बच गया हो, हमने कोई सामान परचेज किया, ले आए,
फॉर एग्जाम्पल व्हीट लेके आ गए सेल करने के लिए, 10 क्विंटल वो आप लेके व्हीट लेके आए परचेज करके, बट आपने पूरे ईयर में 8 क्विंटल आपने उसको सेल किया, तो स्टॉक इन ट्रेड 2 क्विंटल। ओके नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक डिस्काउंट, डिस्काउंट 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 सेलर गिवन बाय सेलर टू परचेजर, सेलर किसको देता है परचेजर को, डिस्काउंट गिवन बाय सेलर टू परचेजर, सेलर क्या करता है परचेजर को डिस्काउंट देता है। बट डिस्काउंट किस टाइप की होती है, टू टाइप डिस्काउंट, टू टाइप, नंबर वन ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट मींस फॉर एग्जांपल आप शॉप पे गए, आपने बुक ली, बुक सेलर का दिस बुक रेट ऑफ 500, ओके, बट आप लेने बोले 10% ट्रेड डिस्काउंट, 10% ट्रेड डिस्काउंट, 10% 50 रुपीज, आप कितना देंगे उसको, 450, चाहे क्रेडिट परचेज हो चाहे कैश परचेज, ओके, कैश परचेज एंड क्रेडिट परचेज, ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट, बट नॉट इंटर इन बुक्स, इनको बुक्स में हम नोट नहीं करेंगे, बुक्स में कहीं नोट नहीं करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट को लेस तो करेंगे बट कहीं भी बुक्स में इंटर नहीं करेंगे, लिखा नहीं जाएगा। जब हम बात करेंगे तो बिल कितने बनेगा, 450 वाउचर्स, 450, ओके, बट कैश डिस्काउंट ओनली कैश परचेज, कैश डिस्काउंट ओनली कैश परचेज, जो कैश परचेज करेगा उसी को दी जाएगी, क्रेडिट परचेज पर डिस्काउंट कैलकुलेट नहीं की जाएगी, ओके, कैश डिस्काउंट ओनली कैश परचेज कैलकुलेट, कैश परचेज इंटर्न बुक्स, जो भी आपके अकाउंट्स पेपर करेंगे उसमें कैश डिस्काउंट को हम लिखेंगे, ओके, डिस्काउंट क्लियर, कैश डिस्काउंट। नेक्स्ट वाउचर, नेक्स्ट एंड लास्ट वाउचर, VOUCHER, वाउचर, मेन डॉक्यूमेंट्स ऑफ ट्रांजेक्शन, ओके, मेन डॉक्यूमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन, मेन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, मेन डॉक्यूमेंट्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, जो भी हम बिजनेस इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन करते हैं ये वाउचर्स क्या हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स हैं, हैं फर्स्ट स्लिप, सेल परचेज बिल्स बनाया हमने उस पर वाउचर बनाया, वाउचर डेबिट वाउचर एंड डेबिट वाउचर, क्रेडिट वाउचर एंड ट्रांसफर वाउचर, एंड ट्रांसफर वाउचर, डेबिट वाउचर प्रिपेयर ऑल पेड एक्सपेंसेस, क्रेडिट वाउचर प्रिपेयर ऑल रिसीव, क्लियर, डेबिट वाउचर जितने एक्सपेंस पेड करेंगे उसके लिए बनता है, क्रेडिट वाउचर आपका रिसीव के बनता है, बस ट्रांसफर वाउचर क्रेडिट के लिए, नो कैश रिसीव नो कैश पेड, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम वाउचर को देख के ही अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं, दिस इज सर्टिफाइड ऑफ द ट्रांजेक्शन, वाउचर्स आपके ट्रांजेक्शन को सर्टिफाई करता है, क्लियर, इन्हीं वाउचर से हम प्रूव करते हैं कि हमने जो ट्रांजेक्शन किया है वो सही है नहीं, यानी वाउचर मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द अकाउंटिंग वर्क, क्लियर, ओके, दिस चैप्टर इज कंप्लीट, ओके, अकाउंटिंग बेस्ड अकाउंटिंग टर्म्स कंप्लीट, ओके, एनी प्रॉब्लम, इफ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, थैंक यू।